बैक टू चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि कौन कौन सी नई अपडेट जो है वो आने वाली हैं, कब रोल आउट होगी और डेट्स क्या होने वाली हैं उनकी अपडेट्स की, और इसमें क्या चीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हम होम स्क्रीन पे आए हैं पबजी के, और यहाँ पे अपडेट अनाउंसमेंट आई हुई है। हमें लॉग इन नहीं किया हुआ, लॉग आउट ही हम अपने अकाउंट से, और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि नई अपडेट जो है वो 3 मार्च को रोल आउट होगी, और रोल आउट होते साथ की सब डिवाइसेस पे नहीं आएगी, सिर्फ कुछ डिवाइसेस पे आएंगी, पर ये ज़्यादा डिवाइसेस पे आ जाएंगी 4 मार्च और 5 तक तो सब डिवाइसेस पे आ ही जाएंगी। खैर हमने गेम लॉग इन कर दिया, तो मेन फीचर्स पे आते हैं जो सब डे में हमें देखने को मिलेंगी। अगर आप पबजी मोबाइल के शुरू से प्लेयर हैं तो आपको पता होगा 1 ईयर कंप्लीशन पे लास्ट ईयर एक एनिवर्सरी मोड आया था, उसमें हमें डिफरेंट स्पॉट्स पे अम्यूजमेंट पार्क मिला करता था और रैंडम स्पॉट्स थे। फीचर्स नई ऐड हो गई हैं, जैसे कि इन गेम मिनी गेम्स आ चुकी हैं जो आर्केड मशीन पे खेली जाएंगी। फिर जंपिंग पैड ऐड हो गया है, इसका क्लोज कॉम्बैट में बड़ा फायदा होगा, टैक्टिकल फायदा, क्योंकि आपको पता होगा एनिमी जब हाइड एडवांटेज होता है तो काफ़ी फायदा देता है। फिर अनाउंसमेंट में दूसरी बड़ी चीज़ DBS, खैर DBS का पावरफुल गन आपको पता ही होगा, तो उसमें 2 राउंड्स होते हैं एट टाइम चैम्बर में होते हैं, तो दोनों एक ही बारी में रिलीज़ हो जाते हैं, और इसके में एटैक्स के अलावा सारे जो हैं स्कोप्स लग जाएंगे। थर्ड फीचर की बात करते हैं तो पबजी ने इंडिपेंडेंट वॉइस कंट्रोल का फीचर ऐड कर दिया है। आपको पता ही होगा कि इन गेम टीममेट्स की वॉइस जो काफ़ी इशू करते हैं, काफ़ी टाइम पर हमें देखने को ऐसा मिलता है कि टीममेट्स से किसी की वॉइस ज़्यादा होती है, किसी की वॉइस कम होती है, तो अब इसमें उसका प्रॉब्लम रहेगा नहीं, और टीममेट्स की वॉइस जो है हम काफ़ी जो है कस्टमाइज़ कर देंगे और पूरी टीम की वॉइस पर इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट एडिशन की बात करते हैं तो पबजी ने न्यू मार्कर्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर, स्पेसिफिक ड्रॉप या ड्रॉप हो गए, लोकेशंस हो गई, व्हीकल सप्लाइज वगैरह कोई भी क्रेडिट्स हो गए, इस पर सब जो है नए नए मार्कर्स हम लगा सकेंगे। रिप्ले भी ऐड हो गया है इस अपडेट में, हमने एक प्रीवियस वीडियो में उससे बात की हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चेकआउट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। एक नया मोड भी आ रहा है, जो मोड तो नहीं पर फीचर कह सकते हैं, पबजी ने इसको एज अ मोड लेबल किया था, जिससे काफ़ी बंदे कन्फ्यूज हो गए थे कि वो मोड है ईवो ग्राउंड में आएगा, आर्केड में आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सिर्फ फीचर है और ये कलर ब्रांड लोगों को हेल्प करेगा। खैर ये बात मुझे पबजी काफ़ी अच्छी लगी कि पबजी जो है अपने कंज्यूमर पर फोकस कर रहा है, कि वो पबजी का कंज्यूमर जो है वो नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता, वो मतलब कि दूसरे बिल्डिंग ही प्रोसेस कर सकता है जो आम बंदा नहीं कर सकता, तो उन पर फोकस कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये एडिशन जो है, ताकि जो नॉर्मल बंदा है वो भी गेम का मज़ा उठा सके, और जो जो बंदे हमारे जैसे एबिलिटीज़ नहीं प्रोसेस कर सकते तो वो उनका भी हेल्प कर सकता है पबजी। अब हम यहाँ होम स्क्रीन पे आ गए हैं और जो फीचर्स हमारे पीछे रह गए हैं वो हम थोड़ी डिटेल में कवर करेंगे। मुझे पता है आप में से जो वीडियो देख रहे हैं उनका आपका टाइम बड़ा कीमती होता है, तो उसको वेस्ट किए बगैर मैं पॉइंट्स जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा और काफ़ी कम टाइम लूँगा अगर पॉसिबल हो सके। नया आर्केड मोड आ रहा है, जो नया तो नहीं पर वापस डाल दिया है पबजी ने। अब अगर आप पबजी की काफ़ी पहले से फॉलो करें तो आपको पता होगा कि इसमें पबजी मोबाइल के अंदर काफ़ी पहले हार्डकोर मोड हुआ करता था, फिर इन्होंने उठा लिया था गेम से, तो गेम से बिल्कुल गायब हो गया था। ये क्लासेस की तरह ही होता है, पर नाम की तरह ये हार्ड होता है खेलने में, क्योंकि इसमें जो एनिमीज़ की फुटस्टेप आपको बिल्कुल नहीं आने वाले, और ना ऑटो पिकअप होगा, ना ही इसमें कोई बॉट्स होने वाले, ना कोई रीलोड होगा इसमें, आपको मैनुअली रीलोड करना पड़ेगा, डोर्स भी ओपन नहीं होंगे, आपको मैनुअली दरवाजे खोलने पड़ेंगे। इसके अलावा काफ़ी कुछ मतलब कि इसमें जो है हार्डकोर होता है। इस आर्केड मोड के नाम से पता चल रहा है कि ये हार्डकोर है, पर जो नया जो दूसरा मोड ऐड हो रहा है इसके साथ आर्टिक मोड जो है ये आइस मोड है, इसमें जो है काफ़ी लोगों को नहीं पता कि सर्वाइवल मोड होने वाला है, मतलब कि प्योरली सर्वाइवल बेस्ड मोड होगा ये, और ये मेजर एडिशन है। इसके अलावा हार्डकोर के अलावा जो है एक और मेजर एडिशन है, पर इसमें जो है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये इसमें होने क्या वाला है। तो इसमें आपको लैटर मिलेगा, इसमें आपको कुकड़ियाँ भी मिलेंगी, आप चिकन्स को किल भी कर सकेंगे, तो वहाँ से आपने अपनी एनर्जी मेंटेन करनी है, क्योंकि इसमें सारा काम ही आपका सर्वाइवल का है। जब सर्वाइव करेंगे तो आपको सर्वाइवल की पॉइंट मिलेंगे, और इसके साथ जो है टाइम के साथ साथ आपकी हेल्थ कम होती जाएगी, जैसे ही स्टॉर्म बढ़ता जाएगा आपकी हेल्थ कम होती जाएगी, तो आपने जो है सिंपली लाइटर उठाने, लाइटर्स और ये मैचस्टिक्स वगैरह आपको मिलेंगे, तो ये जो आपको मिलेगा लाइटर्स और ये चिकन्स वगैरह मिलेंगे, ये सारे मैप के थ्रू आउट जो है स्प्रेड हुई होंगी, आपने उनको कलेक्ट करना है, और मुर्गी को आपने उसका रोस्ट बनाना पड़ेगा, और लाइटर से आपने वैसे जो है आग सेंकनी पड़ेगी, तो इससे आपका सर्वाइव हो जाएगा। अब नीचे इन्होंने पबजी ने और थोड़ी हमें एडजस्टमेंट्स वगैरह कर दिए वेपन के साथ, ट्वीक्स और एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं हर अपडेट के साथ, तो उन्होंने इसमें हमें व्हीकल्स और जो है वेपन्स के साथ उन्होंने अपग्रेड्स वगैरह कर लिए हैं, पर उतना कोई खास हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा गेम के अंदर, और मैंने वैसे डिटेल्स वगैरह नीचे दी हुई है और रॉयल पास के बारे में बताया थोड़ा बहुत, पर उसका कोई हमारे गेम के अंदर इफेक्ट नहीं आएगा। गेम एंटर कर दिए, यहाँ पे न्यू आइकॉन शो हो रहा है 0.17 के अपडेट के बारे में, यहाँ पे हमने जो बात की हुई है और ये उस डिटेल में बताया काम है कि DBS क्या चीज़ है, और उसके बाद ये ब्रदर इन आर्म्स का अपडेट आया हुआ है, इसके अलावा हार्डकोर मोड जो आर्केड में बताया था अभी आपको मैंने, और क्लासेस के सारे नए फीचर्स जो हैं यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं, उसके बाद हमें फ्री में पैन की स्किन मिल रही है कुछ दिन के लिए, टाइम लिमिटेड मेरी कलेक्ट कर लेते हैं हम, और यहाँ जाके हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में हमें मिल जाएगा कलर ब्रांड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर ग्राफिक्स में जाएंगे
तो जिन्होंने जो लोग कलर ब्लाइंड हैं वो यहाँ से देख के अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, हम नॉर्मल रखना है, कलर ब्लाइंड नहीं है। खैर यही चीज़ें थी जो बात हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। तो गाइस इसी थी आज वीडियो में, कहता हूँ पसंद आई पसंद आई तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लाइक करना सब्सक्राइब करना यार फ्री है, आप कर दो कुछ नहीं जाएगा आपका, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो भाई, इससे थोड़ी सपोर्ट मिलेगी मुझे और मैं आपके लिए सिमिलर कॉन्टेंट लेके आता रहूँगा, तो उससे मुझे थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। तो आप कर दो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। बाय।